जतिन, क्या आप मुझे जानती हैं? ऑफ कोर्स मैं तुम्हें जानती हूँ, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। आई मीन तुम अभी भी पढ़ रहे हो और मैं पढ़ा करती थी। ओके। जब तुम फर्स्ट ईयर में थे तब मैं लास्ट ईयर में थी, बस उस दौरान तुम्हारी कभी मुझ पे नजर पड़ी नहीं, लेकिन मेरी नजरें हमेशा तुम्हें तलाशती रहती थी। जी जी हाँ यार, आई मीन मैं तुमसे उम्र में बड़ी थी, इसीलिए तुमसे बोलने की हिम्मत जुटा नहीं पाई, लेकिन पिछले 6 महीने से तुम हमेशा इस रेस्टोरेंट में आते जाते रहते। रोज सोचती थी कि आज तुमसे हिम्मत करके बात कर लूंगी, आज मैंने फाइनली तुमसे बात कर ली। मुझसे दोस्ती करोगे? कर लो ना यार, घाटे में नहीं रहोगे। ओके। और सुनो, मुझे तुमसे एक बात और करनी है। ओके। हाय जतिन। हाय रजनी, ये बॉबी हैं। बॉबी जी आप? तुम इन्हें जानती हो? हाँ, ये तो बहुत बड़ी मॉडल हैं। बॉबी जी पता है मैं आपकी बिगेस्ट फैन हूँ, मैं बचपन से आपकी तरह बनना चाहती थी, बिल्कुल हमेशा आपकी तरह चलना, आपकी तरह हेयर स्टाइल करना, और इसके लिए मुझे मम्मी पापा से मार भी पड़ती थी, लेकिन मार खाकर भी आपको कॉपी करना नहीं भूलती थी। बॉबी जी मैं हमेशा से आपके जैसा बनना चाहती थी, प्लीज आप इसके लिए मुझे कुछ टिप्स दीजिए ना। जरूर जरूर, क्यों नहीं, वैसे भी कोई एक दिन में स्टार नहीं बनता, तुम सिर्फ मेरे साथ रहो, अपने आप सब सीख जाओगी। ओके ओके, थैंक यू बॉबी जी। अरे जतिन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो मेरी फैन निकले। मैम हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, जस्ट फ्रेंड्स है। नो प्रॉब्लम, बाय, एंजॉय। बाय मैम। ये लो 500 रुपए। थैंक यू मैम। और उस लड़के के बारे में मुझे सारी जानकारी देते रहना। जी मैडम। माला माल कर दूंगी। ओके मैम। पर हाँ, मेरी एक शर्त है, तुम्हारा मुंह मेरे सिवा किसी और के सामने खुलना नहीं चाहिए, समझ में आई ना बात? ठीक है। जी मैम। वाओ यार, तुमने कभी बताया नहीं कि बॉबी जी तुम्हारी फ्रेंड है। कभी मौका ही नहीं मिला, बचपन की फ्रेंड है मेरी। रियली? शी इज ग्रेट यार। वैसे कई दिनों से मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था। कुछ नहीं, आज कुछ भी नहीं। आज पता है मैंने बॉबी जी को देखा है, उनसे हाथ मिलाया, तो आज मैं अपने दिमाग में कुछ भी नहीं डालना चाहती। ओके। अच्छा एक काम करो, जल्दी से कॉफी मंगा दो। वेटर। उनकी सेटिंग नहीं होनी चाहिए। क्यों मैडम? पैसे में बहुत ताकत होती है। थैंक यू मैडम। सर मैं आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं कुछ भी नहीं, बाद में ऑर्डर करता हूं। ओके सर। जतिन। ओह हाय। अच्छा तुम कुछ कहने वाले थे ना उस दिन? हाँ वो। अच्छा तुम कुछ मत कहो, सिर्फ मेरी सुनो। ओके। आई लव यू। ओह माय बेबी। हाय जतिन। अरे बॉबी जी आप। हाय। किसके सपनों में डूबे हो? कुछ नहीं, बस रजनी के बारे में सोच रहा था। जतिन, सपने वो कभी नहीं देखना चाहिए जिनके पूरे होने के बाद जिंदगी नर्क बन जाए। ये आप क्या कह रही हैं? सच कह रही हूँ, रजनी तुम्हारे लायक नहीं है। उस पर मॉडल बनने का भूत इस तरह से सवार है कि वो किसी भी गैर मर्द के साथ सोने के लिए तैयार हो जाएगी। नहीं ये नहीं हो सकता। ये बात खुद मुझे रजनी ने बताई, आज सवेरे वो घर पे आई थी, मैंने उसे बहुत समझाया, मैं भी एक मॉडल हूँ, लेकिन मैंने कभी भी किसी को अपने को हाथ लगाने नहीं दिया, पर रजनी को तो बहुत जल्दबाजी हो गई है। उसने मुझसे कुछ नंबर लिए, कई प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के,
उसने किसी से बात की और एक प्रोड्यूसर को वो आज रात मिलने को तैयार भी हो गई, और आज रात वो उसी के साथ रात बिताने वाली। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो खुद रजनी को फोन करो और उसे इवनिंग या नाइट में मिलने को बुलाओ, देख लेना वो इनकार कर देगी। मैंने आज तुम्हारे लिए एक बड़े प्रोड्यूसर से बात की, आज वो बैंड्रा में सिटिंग कर रहा है। सच? बैंड्रा में तो मैं भी रहती हूँ। गुड, उन्होंने कहा है कि आज रात अगर तुम उनको मिलोगी तो तुम्हारा काम पक्का हो जाएगा। आज रात तुम अपने आप को फ्री रखना, उनका फोन कभी भी आ सकता है। आप बेफिक्र रहिए, मैं आज अपने आप को बिल्कुल फ्री रखूंगी, और जब तक उनका फोन नहीं आ जाता तब तक ना मैं कहीं जाऊंगी और ना किसी से मिलूंगी, और पूरे टाइम घर पर रहूंगी। गुड, और एक बात याद रखना, ये बात किसी को मत बताना, नजर लग जाती है। ठीक है मैम। हाय जतिन। हेलो, हाय रजनी। रजनी, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, क्या अभी हम मिल सकते हैं? मैं अभी नहीं मिल सकती, मैं अभी थोड़ी बिजी हूँ। ओके, तो क्या हम शाम को मिल सकते हैं? नहीं, मैं शाम को भी नहीं मिल पाऊंगी। अच्छा, तो फिर उसके बाद 10-11 बजे रात को? अरे यार, मैं आज बिल्कुल नहीं मिल पाऊंगी क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। बट तुम्हारे मॉम डैड तो आउट ऑफ स्टेशन गए हैं, तो तुम इतनी रात को कहाँ बिजी हो? ये मैं नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती हो? अच्छा छोड़ो, हमें कुछ नहीं बता सकती बिल्कुल भी। अभी मैं फोन रखती हूँ, किसी का फोन आने वाला है। चलो बाय बाय बाय। हेलो रजनी, मेरी बात सही थी यार? नहीं, रजनी ऐसी लड़की नहीं है। वो ऐसे ही है साहब, छोटा मुंह बड़ी बात। रजनी मैडम आपके अलावा और भी लड़कों के साथ आती है, और साहब कहना क्या चाहते हो तुम, साफ साफ कहो। साहब कई लड़कों के साथ आती है, और सामने वाले होटल में वो रूम बुक कराती है, बाकी तो आप जानते ही हैं साहब। शट अप, चले जाओ यहाँ से। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि रजनी ऐसी निकलेगी। बचपन से प्यार करता था उसे मैं। जतिन, जाने दो, उन बातों को याद करके सिर्फ दर्द ही मिलेगा। क्यों, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ?